दुनिया में कई पुराने रहस्य हैं जो जादू, विचित्र ताकत या मौत से जुड़े हैं, और आज हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में जानेंगे जिसने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को असमंजस में डाला हुआ है। आज हम ब्योर्कटॉप रूनस्टोन के रहस्यों के बारे में जानेंगे। समय में वापस यात्रा करके एक विशाल मोनोलिथ जो जादू, श्राप और भूले हुए कुलों की कहानियों को समेटे हजारों सालों से खड़ा है, स्वीडन की सौंदर्य में घिरा ब्योर्कटॉप रूनस्टोन, जो 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया, यह विशालकाय मेगालिथ 14 फीट ऊंचा है। सटीकता के साथ नकाशे गए रूनिक भाषा में लिखे ये रूइंस आज तक वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय है। इन रूइंस में एक श्राप के बारे में लिखा गया है। स्थानीय निवासियों का भी मानना है कि जिस दिन ये मोनोलिथ हटाया जाएगा या गिरेगा, तब धरती पर प्रलय आएगी। ब्योर्कटॉप रूनस्टोन पर नकाशे हुए लेख का सीधा मतलब कुछ इस प्रकार है। रूइंस का ज्ञाता, यहाँ इन रूइंस को तराशता हूँ। बर्बादी, द्वेष और भयानक मौत झेलेगा जो इस स्मारक को तोड़ेगा। मैं विनाश की भविष्यवाणी करता हूँ। यह पत्थर की शिला क्यों बनाई गई? क्या यह ओडिन, जो नॉर्डिक लोगों के भगवान है, उनके लिए समर्पित है? वे शायद इसे स्वीड्स और डेन के बीच की सरहद के रूप में लगाया गया। ब्योर्कटॉप रूनस्टोन का रहस्य जितना चौंकाने वाला है, उतना ही डरावना भी। इसके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल है, और नकाशे हुए रूइंस की वजह से लोग इस रूइंस्टोन के आसपास से आने से भी डरते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक कब्र है जहां एक योद्धा या राजा को दफनाया गया है, और आगे जाके उन्हें उनकी मौत की नींद से ना उठाया जाए, इसलिए यह श्राप के बारे में पत्थर पर लिखा गया है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जाँच और शोध के बाद यह पता चला है कि रूइंस्टोन के आसपास कोई भी कब्र नहीं है। ब्योर्कटॉप रूइंस्टोन असहजता और खौफ को अपने रहस्यों के साथ समेटे सदियों से जंगलों के बीच खड़ा है, और शायद इस श्राप के कारण ही वह आने वाली कई सदियों तक ऐसे ही बना रहेगा। आज की इस कहानी में मेरे साथ जुड़ने का आपका धन्यवाद। ऐसी ही कई और विचित्र और खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अनसॉल्व्ड दास्तान।